खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक को सनातन संस्था ने 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजते हुए इसका जवाब 10 दिन में देने को कहा है, वरना उसने इस मामले को अदालत में ले जाने की धमकी दी है। यह नोटिस सनातन संस्था के रामनाथ पोंडा की ओर से भेजा गया है। मलिक के साथ ही पुण्य नगरी के संपादक, प्रिंटर और पब्लिशर को भी यह नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि इस अखबार में 11 अगस्त 2018 को संस्था के खिलाफ एक लेख प्रकाशित किया गया था। इसमें नवाब मलिक ने संस्था पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए इस पर पाबंदी की मांग की थी। और इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए खुद फोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक जी। ऐसा है, सबसे पहले तो वो नोटिस जिसने बयान दिया उनको पहले नंबर पे रखना चाहिए। वो पत्रकारों को, अखबारों को, मतलब ये पुण्य नगरी अखबार के मालिक को, पत्रकार को मुझे चौथे नंबर पर रखा है और टेलीविजन चैनल को नोटिस दिया है जी। मतलब ये पत्रकार प्रेस को डराने का प्रयास हो रहा है। एक जो मैंने कहा है, मैं अपने पूरे शब्दों पे कायम हूँ। मैं तो आभारी हूँ सनातन संस्था का कि कम से कम वो मामला कोर्ट में ले जाए तो हम लोग अपनी बात को साबित करने में कामयाब होंगे। इंतजार करते हैं, न्यायालय में कब जाएंगे। तो आप जवाब नहीं देंगे नोटिस का? उन्होंने बोला है कि आप 10 दिन में नोटिस का जवाब दो। नहीं तो वो क्या करेंगे, वो नहीं बोलते ना, कोर्ट में जाए ना। कोर्ट में जाएंगे उन्होंने कहा है। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, 10 करोड़ दो का है, आप बराबर पढ़ो नोटिस, आप उसके शब्दों को पढ़िए ना। ऐसा है, ये डराने का लोगों को प्रयास है। मैं तो चाहता हूँ कि वो न्यायालय में जाए और सारी चीजें हम लोग न्यायालय में रखें, हमें मौका मिलेगा रखने का। तो क्या है, सिविल सूट की बजाय क्रिमिनल प्रोसीजर भी उन्होंने अडॉप्ट करना चाहिए, जल्दी फैसला हो जाता उसमें। तो आपने क्या कहा था, ऐसा ऐसी क्या बात कही थी कि जिस पर उन्होंने नोटिस भेजा? नहीं, ये संस्था से जुड़े हुए काफी आतंकवाद के मामले हैं जिसमें कई लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं, कुछ लोगों को सजा हो गई और जो नाला स्वरूपा छपारा में गिरफ्तारी हुई है बम के साथ, और जो गिरफ्तारी अभी हो रही है चाहे वो धाबोलकर की हत्या में हो या अन्य हो, वो भी सब इनसे जुड़े हुए हैं तारतारी। तो ये पूरी संस्था जो है कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में इनके साथ शामिल है, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो ये थे एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक, जो सनातन संस्था द्वारा भेजे गए नोटिस को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा है कि वे कोर्ट में इस नोटिस का जवाब देंगे। खबरदार की रिपोर्ट।